अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी दिल्ली में, हम जमीन अधिकरण बिल लाए थे। उस बिल का लक्ष्य आप लोगों की जमीन का की रक्षा करने का था, किसानों की जमीन, आदिवासियों की जमीन, गरीबों की जमीन। और उस बिल में साफ लिखा था कि अगर किसी उद्योगपति को जमीन दी जाएगी तो 5 साल के अंदर उस उद्योगपति को उस जमीन पर उद्योग लगाना पड़ेगा, और अगर वो उद्योग नहीं लगाएगा तो वो जमीन जिसकी थी, चाहे वो आदिवासी हो चाहे वो किसान हो, उसके हवाले वापस कर दी जाएगी। और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार ने आदिवासियों से छीन छीन कर उद्योगपति मित्रों को जमीन दे रखी थी। टाटा हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है, मगर जब उन्होंने 5 साल के अंदर आदिवासियों की जमीन पर उद्योग नहीं लगाया, तब कांग्रेस पार्टी की सरकार ने आदिवासियों का आदर करके उनकी जमीन उनको वापस लौटा दी। आज आप छत्तीसगढ़ जाएं, धान आपको 2500 रुपए क्विंटल में मिलेगा। सरकार 2500 रुपए में क्विंटल खरीदती धान खरीदती है। सरकार 2500 रुपए में क्विंटल खरीदती धान खरीदती है। शायद एक प्रदेश है जो ये काम करके दिखाता है। पहले जब हमारा चुनाव था, बीजेपी के लोगों ने कहा कि ऐसा किया ही नहीं जा सकता, आपको यहां सही दाम नहीं मिलता। जहां भी बीजेपी की सरकार है, उद्योगपतियों को जमीन मिल जाती है, आपका जल, आपका जंगल, आपकी जमीन उनके हवाले कर दी जाती है, मगर आपको धान के लिए सही दाम नहीं मिलता है। और हमने वहां वायदा किया था, हमने 2-3 चीजें कही थी, लंबे भाषण नहीं किए थे, 2-3 चीजें कही थी। कहा था एमएसपी 2500 रुपए प्रति क्विंटल धान में आपको मिल जाएगी। हमने कहा था कि किसानों का वहां पे कर्जा माफ करके हम दिखा देंगे। 5.5 साल हो गए नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, यहां पे बीजेपी की सरकार है, अलग अलग प्रदेशों में बीजेपी की सरकार है, कहीं भी इन्होंने किसान का कर्जा माफ नहीं किया। और जहां भी कांग्रेस पार्टी की सरकार आई, चाहे वो कर्नाटक, चाहे वो पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हमने वायदा किया था कि सही दाम मिलेगा और किसान का कर्जा माफ करके हम दिखा देंगे।